Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुल्क की आबादी में 18 साल के दौरान 4.5 करोड़ का इजाफा। आबादी बढ़ाने में खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और फाटा का सबसे बड़ा किरदार रहा। बच्चे पैदा करने में पंजाब और सिंध को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तानियों की मजमूई तादाद 20 करोड़ 77 लाख, खवातीन की तादाद मर्दों से 51 लाख कम। पंजाब 11 करोड़ के साथ सबसे बड़ा सूबा। विफाकी अदारे शुमारियात ने छठी मर्दमशुमारी के नतायज जारी कर दिए। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने मंजूरी दे दी। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप कॉल्स के पूरे इसरार तरीके से तफ्तीश करने वालों का इंतखाब किया गया हो? क्या किसी भी पिटिशनर ने दुबई की कंपनी और मेरी तनख्वाह की बुनियाद पर मेरी नाअहली की इस्तदा की थी? नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट पर एक और हमला। फैसले की आड़ में अदलिया की तौहीन। कहते हैं पनामा पेपर्स में मेरा नाम नहीं था। बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पर घर भेज दिया गया। मकसद सियासी बहरान पैदा करना था। गलत अंदाज में किया गया फैसला, वापस लिया जाए। कुछ लोग कहते हैं मेरी किसी से नहीं बनती। बताएं उनकी लियाकत अली खान से लेकर बाकी सबसे क्यों नहीं बनी। मुंतखब नुमाइंदों को 2 साल बाद घर भेजा गया। आईन तोड़ने वाले 10-10 साल हुकूमत करते रहे, सजा तक ना मिली। नवाज शरीफ का वकला से खिताब। एक तरफ अपील, दूसरी तरफ तनकीद। कानूनी माहिरीन ने नवाज शरीफ की तकरीर को तौहीन अदालत करार दे दिया। पैमरा के किरदार पर भी सवाल। मैंने भी अपने कागजात को इंटेक्ट रखा हुआ है और मैं कागजात नामजदगी आज वापस नहीं ले रहा। कुलसुम नवाज का इलेक्शन लड़ना मशकूक हो गया। मुतबादिल उम्मीदवार हाफिज नुमान का कागजात वापस लेने से इनकार। अवामी तहरीक इश्तियाक चौधरी पीटीआई की यास्मीन राशिद के हक में दस्तबरदार। कप्तान की सिंध को बदलने की कोशिश। सखर में तहरीक इंसाफ का जलसा। इमरान खान खिताब करने के लिए पहुंच गए, थोड़ी देर में तकरीर करेंगे। अदालत ने सिखों के मजहबी रहनुमा राम रहीम सिंह को रेप केस में मुजरिम करार दे दिया। हरियाणा में हंगामे फूट पड़े। कई पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन और ट्रेन को आग लगा दी गई। पुलिस की शेलिंग, 31 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, फौज तलब। हरियाणा में एहतजाज। हालात इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर होने पर लाहौर से भारत जाने वाली दोस्ती बस रोक ली गई। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही रवानगी होगी। रेमंड डेविस को रिहाई किस तरह मिली, रैयत की रकम किसने दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा उन्हें मालूम नहीं। इंक्वायरी में साथ देने का ऐलान। 50 से ज्यादा वजीर हैं, आता कोई नहीं। चेयरमैन रजा रुबानी का वजीरों को खत लिखने का फैसला। पाकिस्तान में दहशत गर्दों का कोई महफूज ठिकाना मौजूद नहीं। मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ कामयाबी के लिए एक दूसरे पर एतमाद करना होगा। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट की जरूरत है। नई चेक पोस्टें बना रहे हैं। आर्मी चीफ की अफगान सहाफियों के वफ्त से गुफ्तगू। अमरीका के इल्जामात मुस्तरद, पाकिस्तान जितनी कुर्बानियां किसी ने नहीं दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत को खित्ते में सलामती के जामिन का किरदार नहीं दिया जा सकता। कुछ भी ना कहा और कह भी गए।
शहबाज शरीफ ने एक ही सांस में अमेरिका की हिमायत और मुखालिफत कर दी। इमदाद बंद करने पर शुक्रिया अदा कर दिया। मुख्तलिफ शोबों में तआवुन का वेलकम। सानिहा मॉडल टाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने क्यों नहीं लाई जा रही? लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से 12 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। अवामी दस्तावेजात को कैसे रोका जा सकता है? जस्टिस मुजाहिर अली अकबर का इस्तफसार। धरने की तारीख का ऐलान जल्द करूंगा। चोरी करने वाला किस तरह आइन को ज़िबा कर सकता है? आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम नहीं होने दी जाएगी। ताहिरुल कादरी का ऐलान। दो बहनों से शादी के लिए दो मजहब अपनाने का इंकशाफ। अनिल ने एक बहन से मसीह, दूसरी से मुसलमान बनकर शादी कर ली। लड़की ने पहले इकबाल का ड्रामा रचाया, अदालत में बयान बदल लिया। बहनोई से शादी करते शर्म नहीं आई? जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के रिमार्क्स। सिंध हुकूमत ने मसाइल का तोड़ निकाल लिया। महकमा बल्दियात दो हिस्सों में तकसीम। एक का नाम बल्दियात, दूसरे का महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड हाउसिंग टाउन प्लानिंग होगा। बिजली के खालिस मुनाफे में इजाफे का मुतालबा। वजीर आजम की जेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास, 11 नकाती एजेंडे पर गौर। शाहिद खाकान अब्बासी के वज़राए आला को हर किस्म के तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। नेफरेंसेस दायर करने का कानून के बरक्स है, फैसला मौतल किया जाए। दरखास्तों में मौकिफ। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के खिलाफ सूबाई असेंबली में करारदाद जमा। ज़ियाउल्लाह अफरीदी की करारदाद में परवेज खटक, असद उमर और अकबर अयूब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में अल्ताफ हुसैन फिर इश्तियारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत 31 अगस्त तक मुलतवी। मुल्क मुखालिफ तकारीर और मीडिया हाउसेस पर हमले। फारूक सत्तार, आमिर खान, कमर मंसूर, शाहिद पाशा और दीगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। फारूक सत्तार कहते हैं एपीसी का बायकॉट करने वालों का अवाम इलेक्शन में बायकॉट करेंगे। सिंध में करप्ट अनासिर के खिलाफ नैब की कार्रवाइयां तेज। 21 अरकाने असेंबली की फहरिस्त भी तैयार। 782 ऑफिसर्स के खिलाफ केसेस अदालतों को भेज दिए गए। सिंध हुकूमत ने सेक्रेटरी समाजी बहबूद अल्ताफ बजारानी को हटा दिया। SNGAD में रिपोर्ट की हिदायत। आलिया शाह तैनात। पंजाब में डॉक्टर्स की तरक्कियां। डिपार्टमेंटल प्रमोशन बोर्ड ने 14 सीनियर रजिस्ट्रार्स को असिस्टेंट प्रोफेसर का ओहदा दे दिया। पंजाब के प्राइमरी असातिज़ा के लिए खुशखबरी। ग्रेड 14 और 15 के असातिज़ा की अगली ग्रेड में तरक्की की मंजूरी। वज़ीरे आला ने अपग्रेडेशन की समरी पर दस्तखत कर दिए। इलाके लियारी चाकेवारा में रेंजर्स का छापा। जेरे जमीन छुपाया गया असलहा पकड़ा गया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है असलहा लियारी गैंगवार उज़ैर बलोच ग्रुप के शरपसंदों ने छुपाया। छापों में MKM लंदन के 3 कारिंदों समेत 11 गिरफ्तार। कराची सेंट्रल जेल से फरार होने वाले दो खतरनाक दहशतगर्दों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पुलिस और दीगर इदारे सुराग लगाने में नाकाम। पंजाब में रेंजर्स को 2 माह के लिए इख्तियारात मिल गए। महकमा दाखला का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के कई
कई शहरों में बादल खुलकर बरसे। रावलपिंडी के बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और होली फैमिली हॉस्पिटल में पानी दाखिल। नालालई में पानी की सतह 12 फीट तक बुलंद हो गई। लाहौर की सड़कें जेरे आब। जिना हॉस्पिटल की छतें चिपकने लगी। ईद करीब आते ही जानवरों की खरीदारी में तेजी। मुल्तान के शेरा, टाइगर और लाल बादशाह के चर्चे। कराची में फ्रॉडिये नकली दांतों वाले जानवर फरोख्त करने लगे। डेंगू से लड़ने वाले ही डेंगू का शिकार। पिशावर के खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के दो डॉक्टर्स भी वायरस से मुतासर। मुजरे सेहत अशिया बनाने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। लाहौर में हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट और यासिर बरोज गंदगी पर सील। रावलपिंडी में भी 3 स्टोर। मेडिकल एंट्री टेस्ट का पेपर आउट होने की कहानी का ड्रॉप सीन। पेपर लीक करने का ड्रामा स्टार एकेडमी के टीचर अब्दुल हसीब ने किया। एफआईए ने गिरफ्तार किया तो सब कुछ उगल दिया। तालिबात सवालात रोल नंबर स्लिप पर लिख कर लाएं और टीचर को दे दें। गुजरांवाला में 3 डाकुओं ने फैक्ट्री मालिक को लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज को मिल गई। पुलिस मुलजिमों को पकड़ने में नाकाम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। शरीफ फैमिली ईद उल अजहा लंदन में मनाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अगले चंद रोज में लंदन जाएंगे। मरियम नवाज ने लंदन में बेगम कुलसुम नवाज से स्काइप पर राबिता भी किया। मरियम नवाज 3 सितंबर को पाकिस्तान वापस आएंगी और NA-120 की इंतखाबी मुहिम भी चलाएंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे लंदन असद अली मलिक से। जी असद अली मलिक, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो नई इत्तला सामने आई है उसके मुताबिक मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब अगले चंद रोज में लंदन आएंगे और यहाँ पर वो 10 रोज क्याम करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि पूरा शरीफ खानदान यहाँ पर लंदन में ईद उल अजहा मनाएगा और कुलसुम नवाज तकरीबन 3 माह लंदन में क्याम करेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि आज की जो ताजा इत्तला है उसके मुताबिक मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब ने बेगम कुलसुम नवाज से लंदन में रब्ता किया है और तकरीबन 28 मिनट की स्काइप पर वीडियो कॉल की गई है और मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब ने बेगम कुलसुम नवाज साहिबा की खैरियत दरियाफ्त की है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि नुसरत शहबाज। जी बहुत शुक्रिया असद अली मलिक हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने फिर अदलिया पर हमला कर दिया। कहते हैं अदलिया का फैसला बेतौखीर हो चुका है, गलत बुनियाद पर गलत अंदाज में किया गया फैसला वापस लिया जाए। ताकत और अदालत के गठजोड़ ने मुल्क को आमरियत के शिकंजे में जकड़े रखा है। नवाज शरीफ ने कौमी मुकालमे का मरकजी नुक्ता भी दे दिया। उन्होंने कहा कि कौमी मुकालमे का मकसद बीमारी का तायुन और इसका इलाज तजवीज करना है। पहला सवाल, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है के व्हाट्सएप कॉल्स के पूरे इसरार तरीके से तफ्तीश करने वालों का इंतखाब किया गया हो? क्या आज तक इस नो के इल्जाम, इस किस्म के इल्जाम की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की JIT तश्कील दी है? क्या कौमी सलामती और टेररिज्म दहशतगर्दी से हटकर किसी मामले की तहकीक और तफ्तीश के लिए खुफिया एजेंसियों के अरकान को जिम्मेदारी सौंपी गई है? क्या किसी भी पिटिशनर ने दुबई की कंपनी और मेरी तनख्वाह की बुनियाद पर मेरी नाअहली की इस्तदा की थी? JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई फैसला देने का हक था? जिन्होंने
जे आई टी रिपोर्ट देखी तक नहीं और ना उस पर बहस सुनी ना समाज के मरने में श्री क्या सुप्रीम कोर्ट के एक जज की मॉनिटरिंग के नीचे ट्रायल कोर्ट का जज आजादाना काम कर सकता है और क्या ये मामला अदलिया की आज़ादी के असूल के मुताबिक है? क्या नैब को अपने कवायद और जवाबत से हटकर काम करने के लिए कोई अदालती हदायत दी जा सकती है? मारूफ कानून दान बैरिस्टर फरोग नसीम का कहना है कि नवाज शरीफ की तकरीर तौहीने अदालत है। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म न मानने पर पैमरा के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। 98% वकला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त तस्लीम करते हैं। वो 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल, तौहीने अदालत है। कल का जो ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का, उसने ये कहा, उसके हिसाब से पैमरा को इंश्योर करना था कि किसी किस्म की ऐसी तकरीर टेलीकास्ट नहीं की जाए जिसमें नवाज शरीफ साहब अदलिया पर तनकीद करें। उस ऑर्डर, क्लियर ऑर्डर के बावजूद इस तकरीर को चलाया गया। न सिर्फ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पैमरा ने किया, बल्कि साथ साथ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नवाज शरीफ साहब ने किया था। ये नून लीग के वकला थे इसमें, वो भी भाई हैं हमारे। सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को ओहदे से हटते ही जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो शहीद की याद सताने लगी। वो माजी में दोनों साबिक वजराए आजम के बारे में क्या कहते रहे और अब क्या कह रहे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये बात पूरी तरह सादिक आती है नाहल होने वाले साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर। आमरियत के साए में अपनी सियासत का आगाज करने वाले नवाज शरीफ कायदे आवाम जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में हमेशा सख्त जबां इस्तेमाल करते रहे। ये लोग शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हुए। मियां नवाज शरीफ तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ भी बोलते तो नताइज की परवाह ना करते। उसने आपसे आपका रोजगार भी छीन लिया है और उसको मौका मिला तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने घर की राह दिखाई है तो नवाज शरीफ को भी जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ होने वाली नाइंसाफियों का एहसास होने लगा है। जुल्फिकार अली भुट्टो को भरपूर अवामी हमायत मिली, पहले उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और फिर फांसी चढ़ा दिया गया। बेनजीर भुट्टो अवामी मकबूलियत के इंतखाबात जीतने वाली दूसरी शख्सियत थी। वो दो बार मुंतखब हुई, दोनों बार उनकी हुकूमत फारिग कर दी गई। मियां नवाज शरीफ की जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो से मुतल्लिक बदली हुई राय को खुशाइन कहा जा सकता है, मगर बहुत देर कर दी मेहरबान ऐसा कहते कहते। अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान वकला ने गो नवाज गो के नारे लगा दिए। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान वकला ने गो नवाज गो के नारे लगाए। पैनामा का हंगामा फिर शुरू हो गया। नवाज शरीफ के बच्चों हुसैन, हसन और मरियम ने फैसला चैलेंज कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। एक नजरसानी दरखास्त 5 रुकनी बेंच के फैसले और दूसरी 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। हम कितने हैं पता चल गया। पाकिस्तान की आबादी 20,77,00,000 से तजावुज कर गई। मर्दों की आबादी खवातीन से बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और फाटा आबादी बढ़ाने में दूसरे सूबों से सबकत ले गए। वकास अजीम की यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती हुई आबादी 20,77,00,000 हो गई।
सो हवातीन 105 मर्दों का तनासब, मर्द 10 करोड़ 64 लाख जबकि हवातीन 10 करोड़ 34 लाख हो गईं। बेरोजगारी में भी इजाफा हो गया, देहात से धड़ाधड़ आबादी शहरों में मुंतकिल हो रही है। पंजाब की आबादी 11 करोड़, सिंध की आबादी 4 करोड़ 78 लाख, खैबर पख्तूनख्वा 3 करोड़ हो गई, बलोचिस्तान 1 करोड़ 23 लाख, फाटा 50 लाख और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की आबादी 20 लाख तक पहुँच गयी। इस तरह बलोचिस्तान में आबादी दुगनी हो गयी। बलोचिस्तान और फाटा आबादी बढ़ाने में बाजी ले गए। पंजाब का हिस्सा 55 से 52% रह गया। इस्लामाबाद शहर की आबादी में कमी हो गई। नई मर्दमशुमारी के नतायज के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी में 7.5 करोड़ का इजाफा हो गया है, जिसके बाद कौमी असेंबली में भी 197 अरकान का इजाफा होने का इम्कान है। कौमी असेंबली में नशिस्तों की तादाद का तायुन 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक किया गया था, जिसके मुताबिक जनरल नशिस्तों और खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें शामिल करके असेंबली की कुल नशिस्तें 342 हैं। अगर असेंबली की एक नशिस्त के लिए सूबों की आबादी के मौजूदा तनासुब के मुताबिक ही नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर सीटों का तायुन किया गया हो और मखसूस नशिस्तों में भी मौजूदा तनासुब से इजाफा हुआ हो तो कौमी असेंबली के कुल अरकान की तादाद 539 तक होने का इम्कान है। नई मर्दमशुमारी के मुताबिक कौमी असेंबली में जनरल नशिस्तों की मजमुई तादाद 272 से बढ़कर 427 हो सकती है और इस तादाद के मुताबिक खवातीन की मखसूस नशिस्तें 60 से बढ़कर 96 और अकलियतों की 10 से बढ़कर 16 हो जाएंगी। कौमी असेंबली में नई मर्दमशुमारी के मुताबिक पंजाब के अरकान की तादाद खवातीन को शामिल करके 183 से बढ़कर 273 अरकान, सिंध के अरकान की तादाद 75 से बढ़कर 119, खैबर पख्तूनख्वा की 43 से बढ़कर 74, बलोचिस्तान की 17 से बढ़कर 32, फाटा की 12 से बढ़कर 19 और इस्लामाबाद की 2 से बढ़कर 6 हो सकती है। इनके मुताबिक पंजाब की नशिस्तों की तादाद में 49.2% इजाफा, सिंध की नशिस्तों में 58.6%, केपीके की 72% और बलोचिस्तान की नशिस्तों की तादाद में 88% इजाफा मुतवक्के है। कौमी असेंबली में इस वक्त पंजाब के अरकान का तनासुब 53.5% है, जो नई असेंबली में कम होकर 50.6% रह जाएगा। सिंध के तनासुब में मामूली इजाफा होगा, जबकि केपीके अरकान का तनासुब 12.6 से बढ़कर 13.7% और बलोचिस्तान का 4.8 से बढ़कर 5.9% होने का इम्कान है। मजीद खबरें शामिल करेंगे। भारत में इंडियन गुरु राम रहीम सिंह को ज्यादती केस में मुजरिम करार दे दिया गया, जिसके बाद मुख्तलिफ शहरों में हंगामे फूट पड़े। पुरतशद्दुद वाकयात में 31 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। भारतीय गुरु गुरमीत राम रहीम सिंह को रेप केस में मुजरिम करार दे दिया गया। पुंछकला की अदालत ने इसे सजा सुनाई, जिसके बाद हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में पुरतशद्दद मुजाहरे शुरू हो गए। भारतीय पंजाब में मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स, 2 रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों को आग लगा दी गई। दिल्ली के इलाके